बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे काले चने का सालन, और इसके लिए हमें चाहिए 4-5 प्याज हैं कटे हुए, ये अदरक है और सब्ज़ मिर्च है, टमाटर है, ये सब्ज़ लहसुन है, ठीक है, और ये ड्राई लहसुन है। और जनाब काले चने हैं ये, और इनको हमने तकरीबन सारी रात भगो दिया था, तो अब पकाने के लिए ये रेडी हैं। प्रेशर कुकर में डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, और इसमें हम डालेंगे प्याज, और प्याज के साथ साथ हम इसमें जो बाकी मसाला है टमाटर वगैरह का वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे, और इसको हम बंद कर देंगे, प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो मसाला है ये ज़रा सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, फिर हम इसको मैश करके तो इसमें चने ऐड करेंगे। ओके, इसके साथ हमें चने ऐड नहीं करने। और देखिए 2 मिनट के बाद ये हमारा मसाला सॉफ्ट हो चुका है, नरम हो चुका है, अब हम इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे, और मैश करने के बाद हम इसमें चने ऐड करेंगे। और देखिए इस तरीके से आपने सारा मसाला मैश कर लेना है, अच्छे तरीके से पीस लेना है चम्मच की हेल्प से ही। और देखें ये ठीक हो चुका है, अब हम इसमें चने ऐड करने वाले हैं। चने में जो पानी था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1-1.5 गिलास पानी आप मज़ीद डाल लें, और इसमें आप डाल दें नमक और मिर्च डाल दें, और प्रेशर को आप बंद कर दें तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो चने हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, पक जाएं। 15 मिनट के बाद चेक करें हमारा मसाला, ये चने भी डाल चुके हैं, मसाला भी गर्म कर चुका है, अब हमने इसमें ऑयल शामिल नहीं किया, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1 कप ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे, और फिर इसको हम भूनेंगे अच्छी तरीके से, अब हम इसको भूनेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक ये अच्छी तरीके से भून जाएगा, आप अगर इसमें शोरबा बनाना चाहें तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, तो अगर आप ऐसे रखना चाहें तो ऐसे रख सकते हैं। राइट, मैं इसमें से थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, और फिर दोबारा से मैं इसको प्रेशर दे रही हूँ तकरीबन 5 मिनट के लिए जस्ट, ताकि ये चने हैं मज़ीद अच्छे तरीके से गल जाएँ। और देखिए कि हमारा सालन रेडी हो चुका है बिल्कुल, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।